हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम वापस से मोनोपोली के ऊपर जो यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3 जो 2010 में यूपीएससी ने पूछा हुआ था। ठीक है, 20 मार्कर का क्वेश्चन था। तो मैंने आपके साथ इन डिटेल पार्ट ए और पार्ट बी की डायग्राम डिस्कस की थी कि किस तरीके से यहाँ पे हम एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व की बात करते हैं। ठीक है, आप आज की क्लास में हमारे मोनोपोली से दो क्वेश्चंस रहे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये तो सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमिन द डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। और सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डिस्क्राइब सम मेजर्स टू इवैल्यूएट द मोनोपोली पावर ऑफ अ फर्म। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे की बात की जाए तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। जब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, आप मेरे चैनल पे जाएंगे इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। तो इकोनॉमिक्स विद दीप्ति जैसे ही आप चैनल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी प्लेलिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट प्लेलिस्ट, दैट इज यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शन वाली प्लेलिस्ट खोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को पूरा इन डिटेल मिलेगा, जिसमें से मैं आज कौन से टॉपिक की बात कर रही हूँ एक बार दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे आप आएंगे आगे, एक मैं आपसे बात कर रही हूँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये वाला टॉपिक है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। एक वीडियो आपको ये देखनी है, जब आप ये वाली वीडियो देखेंगे ऑन द टॉपिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको लिखना है घर जाके ये क्वेश्चन, वीडियो देखनी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप ये वीडियो देखें, उसके बाद ट्राई करिए अटेम्प्ट करने की। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। और साथ ही जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे, हम लोगों ने लर्नर्स इंडेक्स, ठीक है, ये वाली जो आपकी वीडियो है लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लर्नर्स इंडेक्स तो पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, तो इसके लिए मैं ये वाला क्वेश्चन भी क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, मैं वापस से क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिस्क्राइब सम मेजर्स, मतलब हमें लर्नर्स इंडेक्स के अलावा भी कुछ मेजर्स की यहाँ पे बात करनी है। तो जब भी हम मोनोपोली पावर की बात करते हैं तो मोनोपोली पावर क्या है, एक डिस्क्रिशन है। ठीक है, यहाँ पे जब आप मोनोपोली पावर की बात करते हो तो हम किसके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, हम प्रोड्यूसर या सेलर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। जब भी प्रोड्यूसर या सेलर को प्राइस आउटपुट पॉलिसी बनानी होती है तो उसके पास क्या डिस्क्रिशन है, कितनी डिस्क्रिशन है, ये हमें कौन बताता है, मोनोपोली पावर। जैसे आपको पता है, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो सेलर है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, वो क्या है, ही इज अ प्राइस टेकर, वो क्या है, प्राइस टेकर। लेकिन हम लोग जब मोनोपोली की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस मेकर। तो जब आपने बोला परफेक्ट कंपटीशन, वहां पे प्राइस टेकर है, इसका मतलब उसके पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है, कि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सके, प्राइस को डिसाइड कर सके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने बोला नो डिस्क्रिशन। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, लेकिन मोनोपोली में हमने क्या बोला, वो ही एक ही सेलर है जो एंटायरली डिसाइड कर रहा है कि उसको किस प्राइस में कॉमोडिटीज को सेल करना है। तो यहाँ पे उसके पास क्या है, ही पोजेसेस एंटायर डिस्क्रिशन। और इसी तरीके से हम लोगों ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी पढ़ा है, उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे शेयर की है, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसी तरीके से जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करेंगे तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में आता है।
इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन जैसा एक्सट्रीम भी नहीं है और मोनोपोली जैसा भी एक्सट्रीम नहीं है। इसके पास कुछ डिस्क्रिशन होगा, ठीक है। तो देयर इज सम डिस्क्रिशन। इसी डिस्क्रिशन को हम क्या बोल रहे हैं? इसी डिस्क्रिशन को हम बोलते हैं, दिस डिस्क्रिशन इन इकोनॉमिक्स इज नोन एज मोनोपोली पावर। ठीक है, मैं वापस से डेफिनेशन लिख रही हूँ, जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं लिखी, प्लीज नोट डाउन। मोनोपोली पावर बाय मोनोपोली पावर वी मीन द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन, द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन विच अ प्रोड्यूसर और सेलर, विच अ प्रोड्यूसर और सेलर पोजेसेस इन रिगार्ड टू द फ्रेमिंग ऑफ हिज आउटपुट एंड प्राइस पॉलिसी। अब यहाँ पे जब हम मोनोपोली पावर की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप लोग इस डेफिनेशन को आराम से याद कर पा रहे होंगे, अभी तक जितने भी हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा, मार्केट स्ट्रक्चर में जो हम डायग्राम बनाते थे उसमें हम एक्स एक्सिस पे लिखते थे आउटपुट, वाई एक्सिस पे लिखते थे प्राइस, और हम वहां पे बोलते थे, मैंने आपको इनफैक्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में डायग्राम बनाते समय एक बात बोली थी, डोमिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोली। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बोली थी वहां पे, डोमिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर मोनोपोली, या हमने परफेक्ट कंपटीशन। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस एंड आउटपुट की ही बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मोनोपोली पावर में फर्क क्या है? डिस्क्रिशन, आपके पास कितना डिस्क्रिशन है, आप अपनी मर्जी कितनी चला सकते हैं, वो मोनोपोली पावर है। क्लियर? तो मैंने अभी आपको बताया, जब हम मोनोपोली पावर में परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं, देयर इज नो डिस्क्रिशन। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नो डिस्क्रिशन, मोनोपोली डिस्क्रिशन है। ठीक है, और उसी तरीके से जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की बात करेंगे, ओलिगोपोली की बात करेंगे, तो इन बिटवीन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली हम बात करेंगे। क्लियर? ठीक है, आपको समझ आ रहा है? अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सम मेजर्स, इसका मतलब आपको एक से ज्यादा मेजर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट बात करें तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर को आप कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ईपी, वेयर ईपी इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मैंने आप लोगों के साथ जो लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर है वहां पे आपको मैंने ये चीज बताई थी। ठीक है, इनफैक्ट मैंने आपके साथ एक डेरिवेशन भी वहां डिस्कस की थी, आप लोग देख लेना। नंबर टू, यहाँ पे मेजर्स में हम लोग किसकी बात करेंगे? लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर। लर्नर्स इंडेक्स के लिए आप क्लास देखेंगे, लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर इट इज इक्वल टू पी माइनस एम सी डिवाइडेड बाय पी, दिस इज द वैल्यू फॉर लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर। अब यहाँ पे आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन याद है, पी, ठीक है, ए आर इज इक्वल टू एम आर और एम आर इज इक्वल टू एम सी। इक्विलिब्रियम में क्या होता था? एम आर इज इक्वल टू एम सी, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पे एम सी और ए आर इज वॉट? ए आर इज योर प्राइस। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, एवरेज रेवेन्यू आपका प्राइस है। तो यहाँ पे दिस टर्न्स टू बी इक्वल टू ए आर, दिस टर्न्स टू बी इक्वल टू पी। अगर मैं यहाँ पे ए आर और एम आर को डिलीट कर दूं तो मेरे पास P इज इक्वल टू एम सी आ जाएगा। अगर मेरे पास प्राइस और एम सी बराबर है, P इज इक्वल टू एम सी है, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? जीरो। और प्राइस इज इक्वल टू एम सी कहाँ होता है? अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। दिस इज इक्वल टू जीरो अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्लियर? अब मोनोपोली की बात करें, ठीक है, मोनोपोली में क्या होगा? मोनोपोली में दिस इज इक्वल टू वन, क्यों वन होगा?
बिकॉज अगर हम वापिस से फॉर्मूला में आए, पी माइनस एम सी अपॉन पी, अगर आपकी प्योर मोनोपोली है जहां पे एक ही पर्सन का कंट्रोल है, वहां पे मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा? जीरो. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट जीरो, इट इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय पी वन. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो. हर मोनोपोली में ये कंडीशन नहीं होगी. ये कहाँ पे होगी? जहां पे सप्लाई कंट्रोल की जाएगी 1 पर्सन के द्वारा. ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट है, अगर वो यहाँ लिख भी लीजिए, व्हेन द प्रोडक्ट इज अ फ्री गुड, प्रोडक्ट इज अ फ्री गुड हू सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय 1 पर्सन, हू सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय 1 पर्सन. क्लियर? तो आप यहाँ पे हर जगह ये चीज नहीं होती, इट इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आपका मोनोपोलिस्ट भी है, वो जब प्रोडक्शन करेगा कुछ कॉस्ट तो वो भी बियर करेगा ना. तो हर जगह आप ये नहीं बोल सकते कि दिस वैल्यू लर्नर्स इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी. कहाँ पे होगी? जहां पे हमारा गुड क्या होगा, एक फ्री गुड, ठीक है, जो नेचर प्रोवाइड कर रहा है, और उसकी जो सप्लाई है, एंटायर सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय 1 पर्सन. ठीक है, तो लर्नर्स इंडेक्स वाली क्लास को देख लेना, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. फिर थर्ड की बात करें, यहाँ पे हम दो और इंडिसेस के बारे में बात करेंगे, एक ट्रिफिन के और एक हर्फमैन हर्फंडल इंडेक्स था. ट्रिफिन ने बात की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, ठीक है, सॉरी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. ट्रिफिन ने किसकी बात की? व्हाइल एक्सप्लेनिंग द मोनोपोली पावर, ट्रिफिन ने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया? ट्रिफिन हैज यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो यहाँ पे ट्रिफन ने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट यूज किया, और इनका एक वर्क था, उसका नाम याद कर लेना, ठीक है, आप लिख लेना, जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं आप प्लीज पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, सो दैट आपको बार बार वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े. वैल्यू थियोरी एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका, मोनोपोली पावर का, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिमांड ऑफ वन गुड और प्राइस ऑफ अदर गुड का रिलेशन देखते हैं, यही करते हैं, एंड प्राइस ऑफ अदर गुड का रिलेशन देखते हैं. ये तो आपको पता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस ऑफ अदर गुड की बात करते हैं. ठीक है, लेट से टी और कॉफी की बात की जाए. ठीक है, अगर हम डिमांड फॉर टी देख रहे हैं, हमें चाय लेनी है या नहीं लेनी है, तो कहीं ना कहीं हम मार्केट में कॉफी का प्राइस भी देखेंगे, ठीक है, या जो इसके अलावा कुछ ब्रांड्स पड़ी होंगी उसका प्राइस भी देखेंगे. तो यहाँ पे टी की अगर बात करो, तो डिमांड फॉर टी इंक्रीज करेगी, अगर क्या होगा, प्राइस फॉर टी क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज सब्स्टिट्यूट गुड्स दोनों के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो डिमांड फॉर टी अगर आप देख रहे हो, तो प्राइस फॉर कॉफी देखोगे, ठीक है, क्योंकि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है, तो जो लोग पहले कॉफी कंज्यूम कर रहे थे, नाउ दे कैन शिफ्ट टू टी कंजप्शन. ठीक है, तो आपको यहाँ पे आ जाएंगे, तो डिमांड फॉर टी इंक्रीज करेगा. तो यहाँ पे ट्रिफन ने क्या बोला, ट्रिफन ने बोला कि हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं. अब आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पता है, डेल्टा क्यू आई डिवाइडेड बाय क्यू आई होल डिवाइडेड बाय डेल्टा पी जे अपॉन पी जे. आप इसको आई की जगह कोई भी दे सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं. दिस सिंबलाइजेस कि यहाँ पे क्वांटिटी एक अलग गुड की है, प्राइस किसी और गुड की हम बात कर रहे हैं. अब ट्रिफन ने क्या बोला, ट्रिफन ने यहाँ से क्या बताया हमें, अगर आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू जीरो है, तो हमारे पास क्या होगा, प्योर मोनोपोली. इसको मैं अभी समझाऊंगी, ठीक है, 2 मिनट पॉज करिए. प्योर मोनोपोली, अब यहाँ पे बेसिकली ट्रिफन क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रिफन यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके गुड्स हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट. टी जैसे अभी हमने देखा,
टी और कॉफी में, ठीक है, ये लोग क्या है, दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है। अगर मैं टी की भी बात करूं, मार्केट के अंदर टी में भी हमें नंबर ऑफ ब्रांड्स की टी मिलेगी, ठीक है। आप अगर एक चाय वाला अपनी चाय के ऊपर कंसेशन देने लगे तो आप क्या करोगे, आप हो सकता है आप उसकी चाय खरीदना स्टार्ट कर जाओ। अगर बाय वन गेट वन का ऑफर आएगा तो आप शिफ्ट कर जाओगे, ठीक है, अनलेस अंटिल आपकी ब्रांड लॉयलिटी हो, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ऑल्टरनेट्स की बात कर रहे हैं। जब ऑल्टरनेट्स है मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंस, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंस। लेकिन दूसरा, हम लोगों ने अगर मोनोपोली की बात करें, मोनोपोली में एक ही गुड है, ठीक है, वन गुड है, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, नो सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आपके गुड का कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो उसकी डिमांड डिपेंड करेगी, उसकी डिमांड किस पे डिपेंड करेगी, एंटायरली उसी के प्राइस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, इंडिपेंडेंस की, किसकी बात करेंगे, इंडिपेंडेंस की। तो यहाँ पे ट्रिफिन ने बोला कि अगर आपके यहाँ पे डिपेंडेंस ही नहीं है, इंडिपेंडेंस है, तो इसका मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो इंडिपेंडेंट है उस समय हम क्या बोलते हैं, प्योर मोनोपोली। लेकिन अगर ये वैल्यू हमारे पास वन आए तो हम क्या बोलेंगे, हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं। और अगर आपकी वैल्यू जीरो और वन के बीच में आ रही है तो इसका मतलब आप किसी और मार्केट स्ट्रक्चर में हो, आप ओलिगोपोली में हो सकते हो, आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हो सकते हो। क्लियर, समझ आ रहा है, ठीक है। फिर भी आपको एक बार वापस बोलूंगी, अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग लेक्चर आप मुझे फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो इसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, हमारा एक और इंडेक्स है, दैट इज नोन एज हर्शमैन्स हर्फिंडल इंडेक्स। हर्शमैन हर्फिंडल इंडेक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे हर्फिंडल ने क्या बोला, इन्होंने बोला मार्केट के अंदर अगर हम किसी गुड की बात करें, लेट्स से चाय की बात करते हैं, ठीक है, टी की अगर मैं बात करूं तो टी को सप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ फर्म्स है मार्केट के अंदर। लेट्स से हमारे यहाँ पे एन नंबर ऑफ फर्म्स है, ठीक है, वन टू एन नंबर ऑफ फर्म्स है। यहाँ पे अगर मैं एक फर्म आई फर्म उठाती हूँ बीच से, इस आई फर्म का कुछ शेयर होगा, ठीक है, 100% आपका जो टी की सप्लाई है उसमें से हो सकता है ये आपकी आई फर्म 0.5% सप्लाई कर रही हो, या 5% सप्लाई कर रही हो, या 10% सप्लाई कर रही हो, मतलब कोई नंबर होगा यहाँ पे। तो लेट द मार्केट शेयर ऑफ दिस आयत फॉर्म इन एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के जो पूरा ओवरऑल सप्लाई की बात की जा रही है वो कितना है, एस आई, ठीक है, एस आई क्या हो गया आपका, सप्लाई जो कौन कर रहा है, ये आयत फॉर्म कर रही है। इट कैन बी 0.5%, इट कैन बी 5%, 2%, 10%, एनी नंबर, ठीक है, 100% के नीचे कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे हर्शमैन हर्फंडल इंडेक्स में इन्होंने कहा कि अगर हमें मोनोपोली पावर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, एच इज इक्वल टू सम ऑफ एस आई स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे एस आई स्क्वेयर, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, अगर हम एस आई स्क्वेयर की बात करें, अगर एस आई आपका 100% है, इसका मतलब एस आई की वैल्यू क्या होगी, वन, क्या वैल्यू होगी, वन। अगर एस आई की वैल्यू वन है तो आपका जो भी इंडस्ट्री है, लेट से चाय है, और मैं अगर एज्यूम कर लूँ चाय को बनाने वाला एक ही बंदा है, सप्लायर एक ही है, तो 100% सप्लाई कौन कर रहा है, वही कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोपोलिस्ट। और उसके लिए एच की वैल्यू क्या आएगी, वन स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू वन। तो अगर आपकी एच की वैल्यू वन आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, मोनोपोलिस्ट, क्या बोलेंगे आप इसको, मोनोपोलिस्ट। लेकिन अगर एच की वैल्यू, ठीक है, मैं छोटी वैल्यू लेती हूँ, अगर एच इज इक्वल टू हमारा होता यहाँ पे समेशन एस आई स्क्वेयर और हमारी 0.5 आ जाए यहाँ पे वैल्यू, एस आई की वैल्यू हो जाए 0.5, तो 0.5 का अगर आप स्क्वेयर करेंगे दैट इज 0.25,
ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.25। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये बहुत स्मॉल नंबर है हमारे पास। अगर आपका 0 और 1 के बीच में वैल्यू है, 0 मतलब आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, 1 मतलब मोनोपली को इंडिकेट कर रहा है, और इन बिटवीन जैसे ये वैल्यू है, ये आपका किसी और मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ हमें इशारा कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हर्फिंडल ने ये बताया कि अगर एच जो है वो 1 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोपलिस्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, बेसिकली हम हर्शमैन हर्फिंडल में SI के वैल्यू को टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका SI स्मॉल है, ठीक है, और जो हमारा H है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा, लेकिन ये कब होगा, जब बहुत सारी फर्म्स है, क्योंकि कंपटीशन है, हर 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 फर्म ने क्या किया है, मार्केट का कुछ हिस्सा कैप्चर किया हुआ है। SI की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी कब, जब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होगी और एच की वैल्यू, SI की वैल्यू स्मॉल, इसका मतलब एच की वैल्यू भी क्या होगी, स्मॉल होगी। और अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ही फर्म है मार्केट के अंदर, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, वो इंडिकेट करेगी कि वो क्या है, वो इंजॉय कर रहा है एब्सोल्यूट मोनोपली। क्लियर यहाँ पे? ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स किसका फीचर है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको दिखता है, आपको मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में भी ये दिखता है। क्लियर? ठीक है, आई होप आपको समझ आया। आप यहाँ पे हम इसको किस तरीके से, आपको आंसर राइटिंग करनी है फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, हम ये बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, आंसर राइटिंग के लिए आपके पास लाइक दिस, आपके पास क्या होगी, इस तरीके से आपके पास क्या होगी, एक शीट दी जाएगी। अब आपके पास अकेडमिक्स की तरह शीट नहीं होगी, दिस इज द फॉर्मेट जो आपको यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पे शीट प्रोवाइड होती है। मार्जिन पे आपको नहीं लिखना, आपको इस जो ये अंदर वाला एरिया है यहाँ लिखना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा दिया, एग्जामिनेशन से सेंटर्स में आपको क्वेश्चन के साथ शीट मिलेगी। लेट्स से अगर आपका ये क्वेश्चन था 10 मार्क का, तो आपको एक पूरी शीट मिलेगी, मतलब आपको फ्रंट और बैक साइड में लिखना होगा। ठीक है, तो आपका एरिया आपको ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि इसी एरिया के अंदर क्वेश्चन लिखा जाए। अब एग्जाम में कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। नंबर 1, मार्जिन पे नहीं लिखना। ठीक है, कोई भी आपका GS का पेपर है, ऑप्शनल का पेपर है, ठीक है, SA पेपर है, डू नॉट राइट ऑन मार्जिन। मार्जिन पे लिखेंगे, यूपीएससी पेनल्टी मार्क्स देते हैं उसके लिए, और साथ में अगर आप मार्जिन पे लिखेंगे, अभी स्टेट सिविल सर्विसेज में JKPSC ने तो नहीं इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, मे बी विद द पैसेज ऑफ टाइम पेनल्टी मार्क्स आपको देखने को मिले। ठीक है, तो आपको अवॉइड करना है मार्जिन में लिखना, और दूसरी बात, यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अब आप लोग आज क्या करेंगे, 10 मिनट का टाइमर लगाएंगे, ये क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसको लिखना कैसे है उस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या आया था, एक बार वापस आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। डिस्कस, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन था हमारे पास, डिस्क्राइब सम मेजर्स टू इवैल्यूएट द मोनोपोली पावर ऑफ अ फर्म। अब यहाँ पे डिस्क्राइब लिखा हुआ है, तो आपको ये नहीं करना, आप सिर्फ लिख कर आ जाओ, ठीक है, थोड़ा सा नहीं लिखना, कम से कम एक एक मेजर को आप ट्राई करिए, 4 से 5 लाइनों में तो कम से कम लिखिए। ठीक है, मैंने काफी लोग देखे हैं, काफी लोगों की जब आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन होती है, तो उनमें मैंने एक चीज नोट की है कि बोलो, आप में से काफी लोग क्या करते हैं, आप में से काफी लोग मैथमेटिकल लिखते हैं। ठीक है, तो प्लीज थियोरी पे फोकस करिए। ठीक है, लर्नर्स मोनोपोली इंडेक्स की अगर बात करें, ठीक है, आपने लिख दिया P-MC/P, बट एक्सप्लेन करो उसको। ठीक है, यहाँ पे पेपर के अप्रोच को समझिए। ठीक है, प्लीज इंटायरली मैथमेटिकल मत लिख कर आओ। या ट्रिफन की बात की, हमने लिख दिया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो इक्वेशन है, हमने लिख दिया डेल्टा क्यू आई डिवाइडेड बाय क्यू आई डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा पी जे डिवाइडेड बाय पी जे, लिख दिया, सफिशियंट है, बट थियोरी पे भी फोकस होना चाहिए। ठीक है,
मेजर पार्ट आपका थियोरी होना चाहिए, डायग्राम पे फोकस करिए, मैथमेटिकल लिखना है। मैं ये नहीं बोल रही इक्वेशंस नहीं लिखो, इक्वेशंस लिखिए ठीक है, लेकिन सिर्फ ये मत करिए कि आप मैथमेटिकल फॉर्म में आप पेपर को एक्सप्रेस करके आओ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके लिए जो फॉर्मेट रहने वाला है आपका, राइट इंट्रो, इंट्रो में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर की बात की, तो कीवर्ड हमारे पास क्या है, कीवर्ड इज मोनोपोली पावर। तो डिफाइन करिए मोनोपोली पावर को अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, मोनोपोली पावर को लिखेंगे, फिर लिखेंगे दीज आर सम ऑफ द मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर। सबसे पहले देंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा आप लिखेंगे लर्नर्स इंडेक्स, अपनी भाषा में एक्सप्लेन करिए ठीक है। नंबर थ्री आप यहाँ पे ट्रिफिन का लिखेंगे ठीक है, फिर आप फोर्थ लिखेंगे हर्शमैन हर्फंडल इंडेक्स। अब यहाँ पे जब भी आप लिख रहे हैं ठीक है, आप लोगों को थियोरी पे फोकस करना है ठीक है। अब यहाँ पे आंसर राइटिंग पे जब भी करेंगे टाइम को आपको फोकस करना है ठीक है। आपने आज आप लोग क्या करेंगे घर जाके, जब भी आप लिखेंगे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए ठीक है। और जो मैंने अभी आपको नोटबुक दिखाई ना, इस तरीके से आप लोग ये नोटबुक मंगवा लीजिए, फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं पे भी आपको मिल जाएगी, नहीं आपके एरिया में आ पा रही आप खुद से शीट्स पे मार्जिन बनाइए ठीक है। आप लोगों को मैंने दिखा दिया, आप गूगल करना, शीट आपको मिल जाएगी, फॉर्मेट आपके पास आ गया, मार्जिन बनाइए। अब आपको पता है A4 में मुझे लिखना है, मेरे पास दिस इज द स्पेस ठीक है, इसी स्पेस के अंदर मुझे लिखना है, टाइम मैनेजमेंट पे आपका फोकस होना चाहिए क्लियर। तो आप आपको क्या करना है, 10 मिनट का टाइम लीजिए, फिर लिखना शुरू करिए। और अब जब आप लिखेंगे, हो सकता है काफी लोग आप में से 15 मिनट में लिख रहे हैं, 20 मिनट में लिख रहे हैं, तो आप लिखिए एक शीट पे लिखकर, जितना भी आपको टाइम लिखा लगा यहाँ पे लिखिए 20, लेट से आपको 20 मिनट लगे ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप लिखेंगे आपको 18 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, तो आप देखिए कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं ठीक है, क्लियर। और थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे फोकस करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फोकस करना चाहिए, जिस पेन से मेरी राइटिंग अच्छी हो रही है मैं उसी से लिखना स्टार्ट करूं ठीक है। आपके डेस्क के ऊपर एटलीस्ट वो एक पेन होना चाहिए क्लियर ठीक है। तो अब यहीं पे क्लास खत्म करती हूँ, और आपको रिक्वेस्ट करूंगी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, और साथ ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाले क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करेंगे। आंसर शीट्स कितनी है, 2 शीट्स है आपके पास, उसी में आपको लिखना है क्लियर ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड